हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचायत विराट के बघेल सोनू के संगे रीवा में जबा थाना क्षेत्र के जनकहाई कला में रहा वाले एक ठे युवक के बगिया में लहास मिली हवे, जैसे हड़कंप मचीगा और सूचना में पुलिस टीम पहुंच गई। मृतक के पहचान रामायण उर्फ जीतू कोल पिता रामजी कोल 30 साल के रूप में भई ही। बतावा जाता है कि युवक के लहास श्याम तिवारी के बगिया में मिली हवे। उन्हें कुछ जने पहुंच के दिखिन के कपड़ा से युवक के गला घोट के मारिन। हम अपना का बताए दे बहिने, कुछ दिन पहले बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में यह मेर के घटना भई रही हवे। रीमा व नगरी निकाय चुनाव 13 जुलाई का होई वाला हवे, जेकर लेके अलग अलग पार्टी के नेता आपन दावा पेश करत लागवा। यही क्रम में शिवसेना जिला इकाई रीमा प्रेस वार्ता करीन हमा। शिवसेना के महापौर प्रत्याशी श्री कृष्ण गुप्त आपन घोषणा पत्र दीन हमा। मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है, मैं कभी भी आज तक समाज का नाम नहीं लिया। आप लोगों ने कभी भी हमें समाज के साथ इस तरह लोगों को मैं ले भी चलने या फिर उनको यूज करने या दिखाने के लिए कि मेरे साथ समाज की भीड़ है। भाई, समाज की भीड़ हर व्यक्ति के साथ होती है, मेरे साथ भी होगी निश्चित, नो डाउट। लेकिन राजनीति यदि की जाती है तो समाज को लेकर नहीं की जाती है। समाज का अहमियत क्यों? हाँ बिल्कुल, मैंने समाज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, हर दल उठती है, क्यों उठती है? हर समाज में समाजी संगठन होते हैं, ऐसा कोई भी समाज नहीं है आज वर्तमान टाइम में, आप सिपा नहीं है, जिस समाज में समाजी संगठन नहीं है। हर समाजी संगठन अपने समाज हित के लिए संघर्ष करता है, तो वह समाज में भी है, वो भी अपना संगठन के लिए अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वही पूछ रहा हूं, किसी पार्टी 7 साल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरी चुनाव के पहले दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का निकाह झटका लगा है। इन चुनाव में कई उठे दिग्गजन का मुंह के खाए कपरा है। बात करी थे सिमरिया विधानसभा के तहन वार्ड 6 से कांग्रेस के प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र सिंह, भाजपा के कृष्ण कुमार द्विवेदी उर्फ लाला बड़गैया का 300 वोट से हराए दीन हमा। आइए अपना पंचन का सुनाई थे विजयी प्रत्याशी का कहन। जी, उसके बारे में क्या कहना था? ये वार्ड क्रमांक 6 जिला पंचायत सदस्य के रूप में हम अभी निर्वाचित हुए हैं। कल मतदान हुआ और मतगणना हुई और सारी तैयारियों की काउंटिंग करके उसमें देखा गया कि हम 300 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। ये जिला पंचायत का चुनाव जो है त्रिस्तरीय पंचायत 1994 से लागू है। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। हमने ग्राम पंचायत में भी काम किया सरपंच के रूप में, जनपद पंचायत के रूप में भी हमने सदस्य के रूप में काम किया और हमारे काम के ही आधार पर 6 नंबर वार्ड से, जबकि हमारा गृह ग्राम 5 नंबर में है, तो हमारे कार्य को देखते हुए आम पब्लिक प्रभावित हुई और 6 नंबर वार्ड से उन्होंने हमें चुना। अब बात करी थे रीमा के, जहां वार्ड नंबर 32 और वार्ड 36 के जनता आज मूलभूत सुविधा खातिर तरसत लागी। यहां आए दिना गंदगी के ढेर लगा रहा था। अपना का बताए दे वार्ड 32 और 36 मासोक पेड़ के पहले शिव मंदिर के सौहे वाली गली में कौनो पार्षद कुछ काम नहीं करवाई नहीं। हमारा नाम है मनीष कुमार खटीक, वार्ड नंबर 32 है। देख लीजिए, ये नाली का पानी आज 4 साल से गिर रहा है, कोई सफाई कराने वाला नहीं है। इतना बड़ा सुलस कॉम्प्लेक्स बन गया, आज तक बोर नहीं लगा इसमें। ऐसे तो हाल है इस जगह पे, बताइए ऐसे हैं पार्षद लोग। झाड़ू वगैरह, झाड़ू क्या लगी, आप देख लीजिए गंदगी मची है पूरा। ये सराफा मार्केट की रोडें गई हैं, एक नंबर की रोडें हैं, हैं सफाई के नाम का कोई चीज़ नहीं है। हमें कौन से वार्ड में आप रहती हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं 36 वार्ड से हूँ, तरहाटी से। सर, हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं डली गई है। पंचवर्षीय जब ये आता है वोटिंग का समय, तब सर बोलते हैं कि आके वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हमको कांग्रेस वाले अलग, बीजेपी अलग, जितने रहते हैं नेता। सतना के सिविल लाइन थाना के हाटी गांव में जमीन कले के एक ठे परिवार के द्विपक्ष में खूनी संघर्ष हो गया है, आधा दर्जन घायल हो गया हम। वहाँ इन पुलिस जांच में जुटी गई है। यह घटना 5 जुलाई की बताई जाती है, जेकर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह लड़ाई सेन समाज के बीच भई है। क्या हुआ है आज?
लवन लात मारी ही नहीं किया, मारे ना भी होती हम जो तो बोले कि बच्चे कहा करा करते हैं रोज का रोज, तो हमारे घर तो कहे कि राज्य तो कहे कि अब पूरा हम कहें पुरान बटन मारा तो हम पुरान बटन मारा हम ना मान अपन मान करब क्योंकि पुरान बटन मारा ना मान तो हम कहें वहाँ हुए हम ना मानब जो बाप पुरखा तक जी बाँटे रहे हैं वही जो तो हम ना छाड़ब आगे जमीन जो कहती तुम कही तुम आगे ले आई पाला तो पुरान घर हम अपन बंटवारे को लेके भी बात हुआ ना। सतना पंचायत चुनाव में ड्यूटी कई के रात के 2 बजे नायब तहसीलदार गणेश देश भ्रतार के सड़क हादसा में मौत हो गई। बतावा जाता है कि तहसीलदार के कार खड़े ट्रक से भिड़ गई है जेमा 2 पटवारी और उनका ड्राइवर घायल हो गए हम जिनका उपचार खातिर मैहर सिविल अस्पताल से रीमा रेफर कई दिन गहब है। बतावा जाता है कि तहसीलदार पाला पकरिया मतदान केंद्रन के भ्रमण कई के मैहर लौटत रहे हम। सिमरिया विधानसभा के वार्ड 6 से विजयी प्रत्याशी योगेंद्र सिंह जहां जुलूस निकाल की बसावन मां पहुंचे हवा वहीं वार्ड 4 से महिला प्रत्याशी सुंदरिया कौल का जनता जिताए के जिला पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी के नियरे पहुंचा दी नमा। माना जाता है कि सुंदरिया कौल का जिताओ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा के एक ठे सोची समझी राजनीति रही है। जनता की सेवा है सिमरिया 84 गांव के, मैं सभी चरणों की आशीर्वाद पहले तो सबको मैं वंदन करना चाहती हूँ जो सबको हमने वंदन अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो हमें जिताया है मैं उसके चरणों की आशीर्वाद जिस आशा से हमको लोगों ने जिताया उनकी आशा में हम खड़े उतरे जिस आशा से जिताया उसकी कि हमारे सिमरिया क्षेत्र जरूर यह महिला सामान्य वार्ड था पर जनता जनार्दन ने इसलिए चुना यदि हमारे इस वार्ड की ये आदिवासी महिला बहन सुंदरिया जी जनपद जिला पंचायत की सदस्य चुन के जाएंगी तो हमारे यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष के कारण सामान्य लोगों के सीटों पर लड़ के और आज यह विजय घोषित किए हैं। इसके लिए मैं इस जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 की जनता जनार्दन का सबका वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अपने जिला पंचायत सदस्य को 4 नंबर आपने सदस्य नहीं चुना है आपने अध्यक्ष चुना है। बात करी थे गंगेयू के जहां भ्रष्टाचार के लगातार आरोप के चलत जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद कुमार ओझा का निलंबित करे और CEO पद से हटावे की मांग तेज हुई गई है। बतावा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के हम लोग सुरक्षा में यानी आप लोग 3-3 शिफ्ट रहते हैं जी। हाँ। रात दिन आप लोग EBM जो ये स्ट्रांग रूम में रखी है जी। इसके आप लोग सुरक्षा में चुनाव तो निश्चित तौर पर खत्म हो गया है। जो मतगणना और मतदान के बीच में ये लंबा समय है इसमें हकीकत क्या है लेकिन चूंकि शंकाएं सबको हैं कहीं EBM में छेड़खानी ना हो इसके मद्देनज़र अपने हिसाब से भी सुरक्षा में सारे दल के लोग लगे हुए हैं क्योंकि प्रशासन भी सुरक्षा के इंतजाम तो किया है लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से वहाँ पर्याप्त नहीं है। 3-4 गार्ड वहाँ पर जरूर हैं और दिन भर उनका बाहर वाला दरवाज़ा खुला रहता है, शाम को लोग 10-11 बजे बंद करते हैं। आज खातिर इतना बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे नमस्कार।